साहब अंदर आ जाएं। आइए बैठिए। नमस्ते साहब, भाई पिछले महीने आए थे पेंशन का बिल लेने, लेकिन आप नहीं थे, दूसरे साहब थे, बोले महीना भर बाद आने के लिए। क्या हुआ, कुछ हो पाया कि नहीं? हमारा नाम क्या जी? सीताराम चौरसी। अच्छा जी, आपका फाइल हमारे अंडर में नहीं है, आप जाके बगल वाले कमरे में एक बाबू रहते हैं उनसे बात कर लीजिए। वो रमेश बाबू। हेलो। हाँ बेटा बोलो। फीस अभी चाहिए तो टाइम था ना उसमें तो? लेकिन अच्छा ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं। ठीक, हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, हम देख लें। हाँ बाबा बोले ना, हम देख लेंगे। तुम जाओ, तुम आराम से घर जाओ, हम देखते हैं, हो जाएगा। हेलो। अरे हाँ हेलो साहब। अरे भाई 5 दिन आपको बोल रहा बार बार कि थोड़ा कागज का काम करके भेजा दीजिए, यहाँ पे काम हो नहीं पा रहा, थोड़ा सा काम नहीं हो पा रहा जी आप लोग से। अरे जल्दी करके भेजिए। हाँ नहीं नहीं अभी वो सब नहीं, अभी रखिए, कोई आया है, बाद में बात करते हैं आपसे। हाँ चलिए। फिर वो तो बदले ही क्या साहब? अरे भैया देखिए, महीना भर बाद आने बोले तो ठीक है, पर ये तो सरकारी काम है ना, अब सरकारी काम में समय लगता है, अब ऊपर से कागजात आएगा, ऑर्डर आएगा, पेंशन का पैसा आएगा, तब ना हम लोग आपको कुछ दे पाएंगे। आप ही बोलिए ना, क्या करें हम तो सर, दौड़िए रहे हैं सर, अब 3 महीना हो गया सर। हम क्या करें, आप ही बताइए हम क्या करें। अब मेरे पास जो कागजात आएगा, देखिए इतना काम पड़ा है, मेरे पास जो काम आएगा वही ना आपको करके देंगे। हम अपने से नहीं हो गया साहब, बहुत दिन हो गया है, हम विधवा का चक्कर है, बहुत टेंशन में है। अच्छा सुनिए, टेंशन मत लीजिए, एक काम करिए, ये सब करते तो नहीं है, पर देखिए उधर कोना में यादव जी का रूम है। तो अभी ये आया सर, वो साहब बोले यहाँ आने। अरे वो साहब का आप बात छोड़िए, तो इसे कैसे होगा साहब, वो ऐसे नहीं हो पाएगा साहब। आपको काम करवाना है कि नहीं? अरे साहब तो जबरदस्ती थोड़ी चल पाएगा। आप मेरा बात मानिए, यादव जी का रूम है, आप जाइए उनसे बात करिए, कुछ हो सकेगा तो वो कर देंगे, जाइए आप। ठीक है सर, आप लोग बाबू लोग हैं, आप लोग ऐसे करिएगा तो बाबू ने फायदा नहीं उठा सकते।
साहब अंदर आ जाएगा। हाँ आइए। बोलिए क्या काम है? अरे साहब सबको तो यही बतिया बोल रहे हैं, कहे पेंशन का बिल चाहिए। सब साहब को बोल रहे हैं, उस साहब को बोले तो बोलते आपके साहब का, उस साहब को बोले तो उनका पास जाइए। क्या करें साहब, आप काफी कुछ करिए साहब। देखिए सर ये काम इतना आसानी से नहीं होता है, इस सरकारी दस्तावेज में थोड़ा वजन देना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? साहब समझे ना, पिछले 35 साल से हम टीचर रहे हैं। नहीं आप मेरा बात सुन लीजिए ठीक है, पिछले 35 साल से टीचर रहे हैं हम लोग, इनसे टीचर की वजह से आप लोग यहाँ बैठे हैं ठीक है, और हम ही से रिश्वत मांग रहे हैं, मतलब क्या है ये, मतलब क्या समझ लिए आप? सारा दिन भर चक्कर चलाए हुए, उस साहब वहाँ भेज रहे, उस साहब वहाँ भेज रहे, क्या है ये सब? दो साल से यही चल रहा है, सारा पेंशन ही नहीं आया है। बैठिए बैठिए, नहीं नहीं बैठिए, अभी हम जा रहे हैं, हम अभी जा रहे, देखते हैं आप लोग कैसे, अभी हम देखते हैं। आप लोग का जो काम है रिश्वत खोरी सब ठीक बात नहीं है, आप लोग सरकार अच्छा पैसा दे रहा है, इतना अच्छा मकान दिया, इतना अच्छा कुर्सी दिया। थोड़ा पेंशन वाला फोल्डर लाना। तो समझे लेना मेरा बात, ये सब ठीक बात नहीं है, मेरा जैसा और भी कितना टीचर है, पेंशन आता ही नहीं है, ऐसे ऑफिस के चक्कर घूमते रह जाते हैं हम लोग, कुछ हो नहीं पाता है। हम लोग घर, मेरे घर में बीवी है, बच्ची है, शादी कराना बच्ची का, खाना खाना को तरस गया, ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि भीख मांगने का नौबत आ जाए। और ऐसा ऐसा नहीं है कि एक आदमी का कहानी है ऐसा, हर जगह यही हो रहा है आजकल, हर जगह कोई भी ऑफिस जाइए, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जाइए, यही हो रहा है, यही चल ही रहा है अभी, समझ रहे ना आप? फोल्डर ठीक है सर, ये तो मिलना ही था, नहीं तो 2 साल बाद देते, दे देते आप लोग, लेकिन ये सब ठीक बात नहीं है सर, रिश्वतखोरी ये सब एकदम मतलब शर्मिंदगी का बात है, आप खुद शर्म करिए, आप देश के नागरिक है, देश का भला करिए, तब ना आपका बाल बच्चा, आपका बाल बच्चा भी यही ना आता पढ़ाई करने, आपका बाल बच्चा जो सिखाया उसको अगर आप नहीं दे पा रहे, इससे सही तरह से आप काम नहीं कर पा रहे, तो यही ना होगा। ध्यान रखिए, समझ जाइए, माफ कर दीजिए, अगला बार सर ये सब काम नहीं होगा, समझिए थोड़ा, ध्यान रखिए।